सब्सक्राइब करें धरवली टेक्नोना लेजेंड स्टडी पॉइंट को और दबाएं बाजू की बेल आइकन की घंटी को, जिससे पाएं हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल, आज आपके धरौली टेक्नो नॉलेज एंड स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको थंबनेल में दिखाया गया कि जीएस यानी जनरल साइंस के आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से आप याद कीजिए। अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको लाल कलर बटन दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन है। उसके बाद आप बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेगी और जीएस या और भी स्टडी संबंधी वीडियो और टेक्निकल मोबाइल संबंधी वीडियो आप पा जाएंगे। आप लिस्ट में जाइए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ट्रिक है आपका निकल, निकल एन आई के ई एल, तो ए निकल आपका निकाल के ए एल होना चाहिए, तो ए आपको हटा देना है तो निकल, तो इसका आपका ट्रिक है एन से निकल और आई से इस्पात, के से कोबाल्ट और एल से लोहा, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को ये सब पदार्थ होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है कहाँ पर क्या होता है, तो ऊपर नीचे कम बीच में ख़त्म, ये आपका ट्रिक है, यानी ऊपर नीचे आपका जो होता है कम होता है और बीच में नहीं होता है, इस मान का ये आपका एक ट्रिक याद करना है। उसके बाद तीसरा आपका है, तीसरा क्वेश्चन है सभी अदिश राशियों को याद करने के नाम ट्रिक है, तो अदिश राशि अगर आपको याद है तो सदिश राशि जो बचेगी वो सदिश राशि होगी, यानी कि आपको अदिश राशि पता है तो सदिश राशि भी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो अदिश राशियों को याद करने के लिए आपकी ट्रिक है ये कि वे भी आता उसको आदर कर चलो दाब के घर, वे भी आता उसको आदर कर चलो दाब के घर, तो वे से वैद्युत धारा, वी से विशिष्ट उष्मा, आ से आवृत्ति, ता से ताप, उ से ऊर्जा, स से समय, को से कोण, आ से आवेग, दर से द्रव्यमान यानी द्रव्य और आ से आवेग है दर से द्रव्यमान हो गया, कर मतलब कार्य, कर से हो गया कार्य, चलो चलो चाल चाल हो गया, दाब से दाब हो गया, घा से घनत्व हो गया, रा से आपका रेडियो धर्मिता हो गई, तो ये हो गया आपका ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, मूल कण जो होते हैं उनके आविष्कारक कौन कैसे हैं, मूल कणों के आविष्कारक, जैसा कि है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता थॉमसन है, थॉमसन से आप याद करना है जिसको जे थॉमसन है ना, तो वही आपको याद करना है। पास से परमाणु यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, रा पर रा से रदरफोर्ड, और उसके बाद है आपका न से न्यूट्रॉन, चय चय से मतलब चैडविक, यानी ईट एक हो गया, पर एक हो गया, ना चय एक पर हो गया, दोनों को जोड़ा रखना है। उसके बाद अगला है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन आपका है, तो जल में घुलनशील विटामिन को आपको याद करने के लिए जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका भूमिका चावला, यानी भू से बी, भूमिका में बी एच से शुरू होगा, तो यानी बी एंड सी, बी एंड सी, भूमिका चावला याद रहेगा, चा से सी और भूमिका बी, तो भूमिका चावला बी एंड सी, जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन आपको अधिक, अधिक की स्पेलिंग याद करना है, अधिक जैसे कि ए डी एच नहीं लिखना है, ए डी ई के लिखना है, अधिक 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 कह सकते हैं अधिक, तो ए डी ई के, ये आपका वसा में घुलनशील पदार्थ है, विटामिन है, ठीक है। उसके बाद आपका है कान में पाई जाने वाली हड्डी, कान में पाई जाने वाली हड्डी आपका है जो कि तीन प्रकार की है, इसमें देखिए जैसे मिस, यम आई एस मिस, तो यम से हो गया मेलियस, आई से हो गया इनकस और एस से हो गया स्टेपिस, तो इन मिस से याद कर सकते हैं कान में आपकी हड्डियों कैसी क्या है ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन के रासायन, विटामिनों के जो होते हैं रासायनिक नाम, उनके रासायनिक नाम कैसे याद करना है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी याद करना है, तो आपको रा को ए, था को वी, ए को सी, डी, ऐसी तरह अल्फाबेटिकल आपको सेट कर लेना है कि रथ, यानी आपको सिक्स कैरेक्टर इसमें है, सिक्स कैरेक्टर अल्फाबेट में ले लेना है, ए बी सी डी के तक है आपको, यानी डी के बाद ई, ई के बाद के लेना है टॉफी, देखिए ऐसे लिखे हैं हम, इसको देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें है ए से हो गया, देखिए ए पर है रा, रा से यानी रेटिनॉल, था से हो गया थायमिन, उसके बाद तो आपका ये था से थायमिन हो गया, और ए से आपका ए से हो गया एस्कार्बिक एसिड, उसके बाद आपका का से हो गया कैल्सिफेरॉल, और टा से होगा टेकोफेरॉल, और फी से होगा फिलोक्लोविनोन, फिलोक्लो ओ फिलो
क्विनोन जिसको कहते हैं। तो आपको ए बी सी डी में इसको अल्फाबेट का सेट कर लेना है, रथ एक टॉपिक को, रथ एक टॉपिक को आपको फुल जान लेना है, उसके बाद सभी को ए बी सी करके के तक सेट कर, तो रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे टोटल, पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आखिरी गैसों के नाम, आखिरी गैसों के नाम की ट्रिक है हिना आकर जाना रे। तो ही से हो गया हीलियम, ना से हो गया नियान, अ से ऑर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जाना जेनॉन, रे से रेडॉन, ये आखिरी गैसें हो गई, इसकी ट्रिक है आपका, देख लेना ये ट्रिक है। उसके बाद अगला है एलपीजी गैस के घटक, एलपीजी गैस जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो प्रोफेसर ब्यूटी, प्रोफेसर मतलब प्रोपेन, ब्यूटी मतलब ब्यूटेन। तो इस तरह से ये ट्रिक थी, और अगर इस तरह की ट्रिक चाहिए तो आपको हम दे देंगे, इसकी हम स्क्रीनशॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पीडीएफ इसकी इमेज डाल देंगे, आप इमेज को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक में से, तो इसको हम आपको पॉज करके दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए चाहे ऐसे ही। और बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपको इस तरह से अगली वीडियो, अगली ट्रिक हम आपको फिर नेक्स्ट दिन लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, आपको इतिहास और सिविक्स और बहुत सारी जीके की ट्रिक लेकर आएंगे, तो जीएस की है तो बहुत सारी ट्रिक लेकर आएंगे, और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी लिंक में, वो सारी चैनल पर आप जाके